रुपए 1.33 बांग्लादेशी टका के इक्वल होता है। दैट्स मीन इंडिया के 10 रुपए 13 बांग्लादेशी टका के इक्वल होंगे एंड इंडिया के 100 रुपए 130 बांग्लादेशी टका के इक्वल होंगे, यानी कि इंडियन रुपए बांग्लादेशी टका से थोड़ा सा स्ट्रांग है। हेलो हाय, अस्सलाम वालेकुम, कामन आठू बंधुरा, आशा करी आपनारा सबई ভালো আছেন। उम्मीद करते हैं आप लोग सब मजे में होंगे और अपने अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर रहे होंगे। जी तो गाइस, एक मर्तबा फिर से हम कंपैरिजन करने वाले हैं इंडिया और बांग्लादेश का, और आज हम जैसी किस चीज का कंपैरिजन करने वाले हैं? मुझे तो नहीं पता, आप बताएं। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं भाई साहब करेंसी का। बांग्लादेशी जो करेंसी है उसको टका बोला जाता है और इंडियन करेंसी को इंडियन रुपीस बोला जाता है। तो देखते हैं कौन सी अपना करेंसी जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल है, स्ट्रांग है, आया के टका उसकी ज्यादा वैल्यू है या इंडियन रुपीस की। मुझे आपको लगता है कि ये जो इंडियन रुपीस की ज्यादा वैल्यू होगी। देखते हैं जी, इसमें मैं आपको अभी से गलत साबित नहीं कर सकता, ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात ये बता दूं कि एक टाइम होता था जब बांग्लादेश की जो करेंसी है टका वो पाकिस्तान से कम होती थी, और अब भला जो बांग्लादेशी टका है वो पाकिस्तान के कितने रुपीज के बराबर है? पाकिस्तान के 3 रुपीज हो तो बांग्लादेशी 1 टका बनता है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकती हैं कि बांग्लादेशी जो टका है पाकिस्तानी करेंसी से 3 टाइम्स वो स्ट्रांग है। तो देखते हैं ये इंडिया के मुकाबले में कितना स्ट्रांग है, कम स्ट्रांग है या ज्यादा स्ट्रांग है, और इसकी अपना करेंसी की क्या वैल्यू है। तो आज की वीडियो का कंप्लीट टाइटल है इंडियन करेंसी वर्सेस बांग्लादेश करेंसी कंपैरिजन 2024। आए देखते हैं जी ये मजेदार सी वीडियो, फिर इसके बाद इस पे डिस्कस करते हैं। So guys, stay with us. उस जैसे इंडिया की करेंसी को इंडियन रुपए यानी भारतीय रुपया कहा जाता है, वैसे ही बांग्लादेश की करेंसी को बांग्लादेशी टका कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं 2023 में इंडिया एंड बांग्लादेश की करेंसी में कौन सी करेंसी ज्यादा स्ट्रांग है? अगर नहीं तो देखिए आज का यह वीडियो एकदम, क्योंकि आज हम काफी सारे फैक्ट्स के आधार पर इंडियन रुपए एंड बांग्लादेशी टका के बीच में कंपैरिजन देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस, इंडियन करेंसी यानी इंडियन रुपी 1949 को इंट्रोड्यूस की गई थी। वही बांग्लादेश की करेंसी यानी टका बांग्लादेश की आजादी के एक साल बाद 1972 में इंट्रोड्यूस की गई थी। शायद इससे पहले बांग्लादेश में पाकिस्तान की करेंसी चलती थी। तो इंडियन करेंसी का कोड है INR यानी इंडियन रुपी, एंड इंडियन करेंसी को RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू कराता है। इंडिया में रिजर्व बैंक का काम करेंसी इशू कराना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को बनाए रखना एंड करेंसी सिस्टम को मेंटेन रखना होता है। वहीं बांग्लादेशी करेंसी का कोड है BDT यानी बांग्लादेशी टका, एंड BDT को सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश इशू कराता है। यह बैंक फॉरेन रिजर्व ऑफ बांग्लादेश को मैनेज करता है। साथ ही इस बैंक का काम कंट्री में पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट कराना एंड बैंक नोट इशू कराना होता है। 200 इंडियन करेंसी को सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रिंट करता है, एंड इंडियन करेंसी में आपको महात्मा गांधी की पिक्चर फ्रंट साइड पर कंपलसरी देखने को मिलेगी, एंड हर एक बैंक नोट के पीछे कोई ना कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देखने को मिलेगा इंडिया का। बांग्लादेशी करेंसी को द सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड प्रिंट करता है, एंड बांग्लादेशी बैंक नोट्स में आपको फ्रंट साइड पर बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान का पोर्ट्रेट देखने को मिलेगा, जबकि बैक साइड पर डिफरेंट टाइप के बांग्लादेशी मॉन्यूमेंट दिखाई देंगे। दोस्तों फर्स्टली हम बात करते हैं कॉइन करेंसी की, तो 1973 में बांग्लादेश में कॉइन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन तब 1, 5, 10 और 25 पैसा कॉइन से ही चलते थे। इसके बाद 1 टका की कॉइन 1975 में इंट्रोड्यूस की गई जो कॉपर एंड निकल से बनाई जाती थी, लेकिन करंटली बांग्लादेश में 1, 2 और 5 टका की कॉइन्स यूज किए जाते हैं, वो भी रेयरली। एंड 2013 से बांग्लादेश ने कॉइन करेंसी को बनाना भी बंद कर दिया। गाइस वहीं इंडिया में वैसे तो सिक्कों का प्रचलन काफी पुराने टाइम से है, लेकिन आजादी के बाद इंडिया ने अपना फर्स्ट कॉइन 1 पाइस को 1950 में इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद 1957 से लेकर 1967 में इंडिया ने अपने 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25 और 50 पैसे के कॉइन्स को भी इंट्रोड्यूस किया, जो कि सारे के सारे एल्यूमिनियम से बनाए जाते थे। देन गाइस 1997 में 20 पैसे के कॉइन को RBI ने डिसकंटिन्यू कर दिया, फॉलोड बाय 10 पैसे कॉइन को 1998 में, जबकि 2002 में 20 पैसे के कॉइन को भी RBI ने डिसकंटिन्यू कर दिया। नाउ प्रेजेंट में इंडिया में पैसे नहीं बल्कि रुपए कॉइन चलते हैं, जो कि 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के होते हैं, और ये कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से भी 20 रुपए की कॉइन को रियली यूज किया जाता है। नाउ गाइस बैंक नोट्स की बात करते हैं, तो बांग्लादेश में 1 टका से लेकर 1000 टका के नोट्स फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं।
जबकि इंडिया में भी 1 रुपीज से लेकर 500 रुपए के नोट यूज किए जाते हैं, तो बांग्लादेश का सबसे छोटा बैंक नोट 1 टका का है, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जबकि इंडिया का सबसे छोटा नोट भी 1 रुपए का है, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसके बाद बांग्लादेश की 2 टका की नोट कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जबकि इंडिया की 2 रुपए की नोट कुछ इस तरह की दिखती है। इसके बाद नंबर आता है 5 रुपए के नोट का, तो बांग्लादेश की 5 टका की नोट कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जबकि इंडिया के 5 रुपए कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। दोस्तों इसके बाद बांग्लादेश का 10 टका कुछ ऐसा दिखता है, जबकि इंडिया का 10 रुपए कुछ ऐसा। साथ ही गाइस यह है बांग्लादेश के 20 टका की नोट, जबकि इंडिया के 20 रुपए की नोट कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसके बाद बांग्लादेश में 50 टका की नोट भी अवेलेबल है, जिसे हम इंडिया के 50 रुपए की नोट से कंपेयर कर सकते हैं। बांग्लादेश का 100 टका कुछ ऐसा दिखाई देता है, जबकि इंडिया का 100 रुपए कुछ ऐसा दिखता है ब्लू कलर के सेगमेंट में। नाउ गाइस इंडिया के पास सबसे लास्ट एंड सबसे बड़ी नोट है 500 रुपए की। इससे पहले 2000 की नोट इंडिया में सबसे बड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। साथ ही गाइस बांग्लादेश की 500 की नोट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा 1000 टका की नोट बांग्लादेश की सबसे बड़ी बैंक नोट है, जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। लास्टली गाइस एक्सचेंज रेट की बात करें तो इंडिया का 1 रुपए 1.33 बांग्लादेशी टका के इक्वल होता है। दैट्स मीन इंडिया के 10 रुपए 13 बांग्लादेशी टका के इक्वल होंगे एंड इंडिया के 100 रुपए 130 बांग्लादेशी टका के इक्वल होंगे, यानी कि इंडियन रुपी बांग्लादेशी टका से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जी तो ये कंपैरिजन था अपना इंडियन करेंसी वर्सेस बांग्लादेशी करेंसी, और इसमें जो बाजी ले गए हैं वो इंडियन करेंसी ले गई है। तो बस थोड़े से जो आपका गैस बिल्कुल ठीक था, थोड़े से मार्जिन से जो इंडियन करेंसी है वो बाजी ले गई है। अगर 100 बांग्लादेशी टका हो तो वो बनते हैं 130 इंडियन रुपीस, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इतना ज्यादा है नहीं। ये है कि आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एक टाइम पे पाकिस्तान में ये कहावत होती थी कि ये 2 टके का भी आदमी नहीं है, मतलब होती है। अभी भी होती है, नॉर्मल हम ऐसे यूज करते हैं। अगर किसी को यूजलेस या कुछ ऐसे कहना हो तो हम कहते हैं भाई 2 टके का आदमी है, मतलब एक टाइम पे टके की जो वैल्यू थी वो ना होने के बराबर थी। तो अब भाई इस तरह से पाकिस्तान पे जवाल आया है, अब वो ही 1 टका पाकिस्तान के 3 रुपए के बराबर है। तो अब हमें ये कहना चाहिए कि अब तुम्हारी 2 रुपए की भी नहीं वैल्यू रही पाकिस्तानी रुपए की। भाई बांग्लादेश ने नो डाउट बहुत ज्यादा अपने आप को क्या कहते हैं प्रोग्रेस में लेके गए हैं, अपने आप को डेवलप किया है निचले लेवल से आके। उन्होंने मतलब जो उनसे ऊपर कंट्रीज थे, जो उनसे आगे कंट्रीज थे उनको कम्पीट किया। जैसे एक टाइम पे पाकिस्तान बांग्लादेश से आगे था, और अब जो बांग्लादेश है पाकिस्तान से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। और अब ये टाइम आ चुका है कि नो डाउट इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, और बांग्लादेश अब इस स्टेज पे आ चुका है कि वो इंडिया को टफ टाइम दे रहा है। नो डाउट जो बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है और जितनी एजुकेशन और वीमेन एम्पावरमेंट उनको औरतों को दी गई है, भाई औरतें वहां पे 80% अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रही है, बच्चे उनके सभी स्कूल में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो उनको प्रोवाइड की जाती है 100% है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में जो बांग्लादेश है वो एशियन टाइगर बन जाएगा। इंडिया तो आगे है ही है, जितनी तेजी से इंडिया मोदी जी के अपना कह लें कि दौरे हुकूमत में तरक्की कर रहा है, मेरे ख्याल में किसी और के अपना दौरे हुकूमत में आज से पहले इंडिया ने इतनी तरक्की नहीं की थी, क्योंकि हाँ। बड़े मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया में। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया है इस कंपैरिजन को देख के, और साथ में हमें बताइएगा कि इंडिया और बांग्लादेश से कितने लोग हमें देख रहे हैं। और अगर आपको ये आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम मिलेंगे आप लोगों से एक नई मजेदार सिलेक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।